हलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीआर टेक पेरुम आवलुक्कु मत्तियिल पुदिय केटीएम 250 अड्वेंचर बाइक विर्पनैक्कु कोंडु वरप्पट्टिरुक्किरदु इंद बाइक्किन मुख्य फ्यूचर्स पत्ति दान इंद वीडियोल पार्क्क पोरोम सो वीडियो इंट्रेस्टिंगा इरुक्कुम्नु निनैक्किरेन वीडियो स्किप पण्णाम पारुंग नम्म चैनलुक्कु नींग पुदुसा फर्स्ट सब्सक्राइब पण्णिक्कोंग वांग वीडियोक्कुल्ल पोलाम ओके नंबा ऐल मुख्य पाइंट दाँ पाकपर सो फर्स्ट पाइंटन पातील तेरह अभी पाती केटीएम वो 390 अड्वेंचर बाइक सो नहीं और केटीएम अड्वेंचर बाइक वांगना पाती ऑप्शन सो अंत टाइम पाती कंपा बैक मटा मेरी सो इतक वह पाती इन ऑप्शन को 250 सीसी सो इत रेट कंपेर पड़े वह पाती 390 विट 250 सीसी बैक वो विले कुमेंो इत वो नप्शन अद नेरத்தில் KTM 390 அட்வென்ச்சர் பைக்கின் டிசைன் அம்சங்கள் இந்த பைக்கில் பிரதிபலிக்கின்றன இந்த பைக்கில் பெரிய ஃபியூல் டேங்க் அகலமான சீட்டிங் பொசிஷன் லாங் டிராவல் பயணிப்பதற்கு ஏதுவாக ரைடிங் பொசிஷன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஃபியூச்சர்ஸா இருக்கு செகண்ட் டிசைன் டிசைன்னு பாக்கும்போது இதல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாலஜன் ஹெட் லாம்ப் கொடுத்திருக்காங்க அந்த ஹாலஜன் ஹெட் லாம்புக்கு மேல நல்ல அட்ராக்டிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா DRL லைட்னு சொல்வாங்க அது வந்து டே டைம் ரன்னிங் லைட் சோ அத கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து பார்க்கது நல்ல அட்ராக்டிவா இருக்குன்னு சொல்லலாம் अब रे कलर आपशन वह पाती आरेंजी वे इन पाको आरेंजी करपु इत रे कलर आपशन तर्ड इंजिन केटीएम 250 ड्यूक बाइक इंजिन यूस पड़ा इंजिन वह पाती केटीएम 250 अड्वेंचर बाइक यूस पड़ा बैक 248 सीसी सिंगल सिलिंडर लिक्विड कूल्ड इंजिन यूस पड़ा इंजिन वह पाती अधिकपक्ष 29.5 पीएस पावर 24 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस पड़े इत सिक्स स्पीड गियर बॉक्सोड अदल वो असिस्ट स्लिपर क्लच अगर टेक्नोलॉजी कुत्तरको यूसन वह पाती असिस्ट ना वो पाती वो ट्राफिको इटी सैडलो अधिकम बैक ड्राइव पड़को अल्च यूस पड़े मेरी सो इतमी क्लच यूस पड़े नमक वह पाती कई पेन रेड्यूस पड़ा असिस्ट अक्नजी कुत्तर अब स्लिपर क्लचो फंक्शन पाको फंक्शन पाको सर वो ड्राइव पड़े रोम अग्रेसिवा ड्राइव पड़ा समय सर वो सडना गियर इनक्रीस पड़ा सडन गियर डिक्रीस पड़ा சிலர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது சடனா வந்து 5th கியர்ல போயிட்டு இருக்கும்போது குறுக்குல எதனா வந்துச்சுனா பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது சடனா பிரேக் அப்ளை பண்ற டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 5th கியர்ல இருந்து டக்குனு வந்து பாத்தீங்கன்னா 1st கியர் வரைக்கும் டக் டக் கியரை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சோ இந்த மாதிரி கியரை வந்து டக் டக் சேஞ்ச் பண்ணும்போது சம் டைம் வீல் லாக் அப் இருக்கும் சோ இந்த வீல் லாக் அப் ஆகும்போது என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வீல் வந்து லாக் ஆகும்போது நம்ம பைக் வந்து ஸ்கிட் ஆகி கீழ விழுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சோ அத ரிடூஸ் பண்றதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் அப்படிங்கறது யூஸ் ஆகுது फोर्थ सस्पेंशन सस्पेंशन सेटअप पाकोद न्यू केटीएम 250 अड्वेंचर बाइक ऑफ रोड पाटे डब्ल्यूपी अपेक्स सस्पेंशन को फ्रंट सस्पेंशन 170 मिलीमीटर ट्रावल को 43 मिलीमीटर फोर्क रियर सस्पेंशन 170 मिलीमीटर ट्रावल को मोनोसॉक ऑब्जर्वर को फिफ्थ ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट 19 इंच व्हील रियर 17 इंच व्हील को पाती ड्यूल पर्पस टायर को ऑन रोड अंड ऑफ रोड रेंडुत्तुलुम यूस पड़े मेरी और टायर सेटअप को இந்த பைக்ல ஃப்ரண்ட்ல 320 mm டிஸ்க் பிரேக்கும் ரியர்ல 230 mm டிஸ்க் பிரேக்கும் கொடுத்திருக்காங்க 6th தொழில்நுட்ப வசதிகள் தொழில்நுட்ப வசதியின் பாக்கும்போது நியூ KTM 250 அட்வென்ச்சர் பைக்ல டுவல் சேனல் ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டத்துல ஆஃப் ரோட் பயன்பாட்டிற்கு ஏதுவாக ஆஃப் ரோட் மோட்னு ஒன்னு இருக்கு சோ அந்த ஆஃப் ரோட் மோட்ல நாம வைக்கும்போது ரியர் சைடுல இருக்க ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் டிசேபிள் ஆயிடும் फ्रंट डिस्क मटा एक्टिवा इत बैक वह पाती एलईडी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को डिसअपॉइंटमेंट वह पाती ब्लूटूथ कनेक्शन ऑप्शन सो इत वो मेपे डिसअपॉइंटमेंट सो नम ब्लूटूथ कनेक्शन पड़ मुड़ा और नेविगेशन पर्पस पाती डिसअपॉइंटमेंटा ऐन पाती अड्वेंचर बैक वांग मोस्टा लांग ट्रावल पड़ेगा सो इत वह पाती नेविगेशन पर्पस ना विषय निका बैक वांग मेपे डिसअपॉइंटमेंटा निक्रे सेवंत प्रईस कंपा और बैक वांग प्रईस सेक पाँ पाती बजट को प्रेस अब से पड़ा न्यू केटीएम 250 अड्वेंचर वे बैको प्रेस पाको 2.48 लक्ष्य वर्द इतना पाती एक्सोर प्रईस केटीएम 390 अड्वेंचर बैक विवा नहीं केटीएम 390 अड्वेंचर बैको प्रईस कुछ अधिकम अब फील पड़ी कंपा वह पाती केटीएम 250 अड्वेंचर बैक वो ना आपशन இந்த பைக் எதுக்கு போட்டியா இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் இமாலியன் அதுக்கு அப்புறம் BMW G310 GS இந்த ரெண்டு மாடல் பைக்குக்கும் கண்டிப்பா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த காம்படிட்டர் பைக்கா இருக்கும் ஓகே வியூவர்ஸ் வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போல தகவல்களை பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம சேனல்ல போற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும்னு இருக்க பாத்தீங்கன்னா கூட இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க ஓகே நண்பா பை பை